India's fastest growing school chain presents Chamford School, Jaganpura Road, Patna. Admission opens for pre-nursery to standard 8. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-9866. परम ज्योति श्री कल के अद्भुत वरदान की इस प्रक्रिया में मैं आद्या आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते। पिछले हफ्तों में हमने साक्षात कल्की से आरोग्य के वरदान को पाया। इस हफ्ते एक खास ऐसे की यात्रा हम करने जा रहे हैं। आरोग्य प्रदाता वैदेश्वर अम्मा भगवान या फिर आरोग्य प्रदाता वो कल्की का वो मूल स्थान वो है नेमम पुण्य क्षेत्र, जिसको कहा जाता है मोक्षपुरी। आज ऐसे इस पावन भूमि में हम सभी यात्रा करने जा रहे हैं। इस यात्रा में जैसे जैसे हम इस पुण्य क्षेत्र के बारे में जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम डॉक्टर स्वरूप उस भगवान की, उस कल्कि की शक्ति को अनुभव करने वाले हैं। कितने अलग अलग गुणों से और कितने अलग अलग शक्तियों से भरे हुए हैं अम्मा भगवान आज इस कलयुग में मानव को मदद करने के लिए, ये हमें इस भाग में बहुत स्पष्ट रूप में नजर आएगा। तो चलिए हमारे साथ नेमम पुण्य क्षेत्र में मोक्षपुरी में एक अद्भुत यात्रा में। कितना सुंदर है ना नेमम। ऐसा ये पावन क्षेत्र स्थित है तिरुवेल्लूर से, तिरुतनी से बहुत ही नजदीक, तिरुमरिसाई से बहुत ही नजदीक। ये तिरु शब्द से संबंधित हर एक एक जो आसपास के क्षेत्र हैं, ये एक पुण्य क्षेत्र अपने आप में है। तिरु याने भगवान का एक पवित्र स्थान, एक पवित्र मंदिर, जहां पर आड़वार नैनवार इस प्रकार के महान भक्त सतत यात्रा करते हुए, संकीर्तन करते हुए प्रयाण करते थे। और ऐसे ही एक पावन क्षेत्र में आता है नेमम। नेमम जो साक्षात श्री भगवान की स्वग्राम माना जाता है। श्री भगवान अपने पूरे बचपन में इस स्थान में रहे और आज ये स्थान वैदेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की बीमारियों के साथ लोग आते हैं और बस वैदेश्वर का ध्यान करते हुए, वहां प्रार्थना करते हुए, उस मंदिर की परिक्रमा करते हुए या वहां दीप जलाते हुए अपने जीवन में आरोग्य को पाते हैं। नेमम पुण्य क्षेत्र में जब लोग 3 दिन 5 दिन 7 दिन इस प्रकार से निवास करने के लिए आते हैं, उस स्थान में रहकर साधना करने के लिए आते हैं, तो विशेष ऐसा आरोग्य का चमत्कार उनको होता है। जब लोग वहां रहते हैं, उस पुण्य क्षेत्र में उनको सेवा करने का भाग्य मिलता है, ऐसा पुण्य कमाने का भाग्य मिलता है जो पूरक होता है
उनके अनारोग्य से उनको आरोग्य की दिशा में आगे ले जाने के लिए। आइए यहाँ पर एक भक्त के अनुभव आपको बताते हैं। ये भक्त अनारोग्य से पूर्ण थे। शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। पांव से चल नहीं पा रहे हैं, कमर से झुक नहीं पा रहे हैं, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। ऐसी इस महिला को इनके परिवार के लोग गोदी उठा के लेकर आए थे, लाए और भगवान के सामने ऐसे ही मंदिर में रख दिए और बोले, भगवान अब आप इनको ठीक कीजिए। आपका तो हमने बहुत नाम सुना है कि आप वैदेश्वर हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, हर एक इलाज हम कर चुके हैं, अब आपकी शरण में अंत में हम आए हैं, आप इन्हें ठीक कीजिए भगवान, कहकर वैदेश्वर मंदिर में उस महिला को रख दिया जाता है और परिवार के सब लोग मिलकर वहां आरोग्य पूजा में भाग लेते हैं। पहले दिन जब उस महिला को हमने देखा, उनके लिए अचानक हृदय से प्रार्थना निकली। इतनी दयनीय परिस्थिति थी कि किसी दुश्मन को भी इस प्रकार की स्थिति ना मिले, ऐसा एक जीवन वो जी रही थी। एक दिन बीत जाता है, एक रात बीत जाती है, दूसरे दिन सुबह बहुत ही मुस्कुराते हुए वो मंदिर में पड़ी हुई है। तीसरे दिन सुबह जब हम देखते हैं तो मंदिर में धीरे धीरे मंदिर की दीवारों को पकड़ते पकड़ते वो परिक्रमा करने का प्रयास कर रहे थे। चौथे दिन जब हम देखते हैं तो मंदिर में तुलसी माला को अन्य सेवकों के साथ बैठकर वो बना रही थी और ये देखकर हम एकदम खुशी से फूले नहीं समाए कि क्या चमत्कार है कल्कि का। वैदेश्वर के रूप में आया हुआ कोई भी रोगी, कोई भी मरीज वहां से खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा करते हुए आ रहे थे, बिहार ही के जमुई क्षेत्र में रहते हैं, अपने में ही वो स्वयं डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर जी यात्रा करते हुए अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं चेन्नई में, आंखों की समस्या है और इलाज करवाना चाहते हैं। रास्ते में उनको कहीं से पता चलता है नेमो में मंदिर है, वहां जाने से ही आपको आरोग्य मिलता है, आप जाइए, वहां अध्याय जी है, उनसे मिलिए, वो बात करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सारी जानकारी पूछ पूछ के वो वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बिल्कुल दो मिनट हम सिर्फ उनको बताएं ऐसे ऐसे कीजिए और वहां पर उनको प्रार्थना करने के लिए हम छोड़ के हम निकल गए। दो दिन के बाद हमने फोन करके उनको पूछा, भाई साहब आप कहाँ हैं, आप मुझे मिले थे, कैसी हैं आपकी माँ? तो वो कहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कल्कि भगवान को तो कोटि कोटि धन्यवाद, उन्होंने तो मेरी माँ के जीवन में अद्भुत चमत्कार कर दिया। पता है मेरी माँ को नजर नहीं आता था, अचानक उनकी दृष्टि कम होने लगी, कोई भी काम कर रही है तो सब उल्टा पलटा हो रहा है, चावल बीनती थी पत्थर वही छोड़ देती थी और चावल को बाहर फेंक देती थी। इस प्रकार से सारे कामों में उनके वजह से घर में बहुत सारे झगड़े शुरू होने लगे। धीरे धीरे हमें पता चला कि माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो सारे काम गड़बड़ कर रही है, इसलिए हम उनको डॉक्टर के पास यहाँ लेकर आते हैं। और अंत में सभी डॉक्टरों के डॉक्टर वैदेश्वर अम्मा भगवान की शरण में आने के बाद आज मेरी माँ को संपूर्ण आरोग्य मिल गया। आज मेरी माँ बिल्कुल साफ साफ देख पा रही है, हर एक काम को सुव्यवस्थित रूप में कर पा रही है। आज डॉक्टर जी बहुत खुश हैं और इतने साल, करीब 7 साल हो गया है उनकी माँ को, उसके बाद फिर कभी भी अनारोग्य नहीं रहा, फिर कभी आंखों की बीमारी की समस्या नहीं रही। तो जय बोलो वैदेश्वर अम्मा भगवान की जय। ऐसे प्रतिदिन वहां पर सैकड़ों लोग आते हैं और आरोग्य के चमत्कार अपने जीवन में प्राप्त करके चले जाते हैं। आइए यहाँ पर कुछ भक्तों के अनुभव सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में वैदेश्वर अम्मा भगवान की कृपा को पाया। मैं झारखंड देवघर डिस्ट्रिक्ट मधुपुर मोहनपुर से बोल रहा हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र दास है। मेरे साथ बहुत सारा आरोग्य का परेशानी था, बायां और दाहिना साइड के किडनी में पूरा दर्द रहता था, इन्फेक्शन रहता था। मैं 2010 और 11 बहुत परेशान रहा। उसके बाद 2012 में हमारे गांव का प्रकाश जी ने अम्मा भगवान से जुड़ने के लिए बोला कि यह कलयुग का भगवान है श्री अम्मा भगवान, आइए इनके शरण में आपको संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। फिर मैं उनके साथ श्री अम्मा भगवान से जुड़ा। श्री अम्मा भगवान से जुड़ने के बाद
बोला आपको मंदिर जाके दर्शन करना है। फिर मैं श्री अम्मा भगवान का मंदिर गया और जाके दर्शन किया भगवान का। फिर वहाँ से नेमम पुण्य क्षेत्र गया जहाँ पे अंग प्रदक्षिणा होता है, वहाँ पे जाके मैंने अंग प्रदक्षिणा किया। अंग प्रदक्षिणा करने के बाद मेरा शरीर का पूरा दर्द वहीं से ख़त्म हो गया और मेरा पूरे दोनों किडनी का दर्द ख़त्म हो गया। जय बोलो हमें संपूर्ण आरोग्य दे दिवे आरोग्य प्रदाता अम्मा भगवान की जय। जय बोलो हमें संपूर्ण आरोग्य दे दिवे विदुश्री अम्मा भगवान की जय। विदुश्री अम्मा भगवान की जय। थैंक यू अम्मा भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद, सत सत कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते, श्री कल्की सरनाम, मैं जूली जी जमुई बिहार से बोल रही हूँ। अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार किए हैं, लेकिन इनमें से एक चमत्कार मैं अपने छोटे भाई के लिए बताना चाहती हूँ जिनको भगवान ने जीवन दान दिया है। 2011 का दुर्गा पूजा के नवमी के दिन मेरा छोटा भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके ब्रेन में बहुत बड़ा चोट लगा। उसको दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा था। उसके इलाज के क्रम में डॉक्टर बोले इस तरह का मरीज बच नहीं पाता है, यदि बच जाएगा तो वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, वह किसी को पहचान नहीं पाएगा। इसी समय मैं मंदिर गई और भगवान का दर्शन की। भगवान को अपने भाई के बारे में बताया। भगवान उसके ब्रेन में बहुत छोट उसके ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया है, उसके ब्रेन में चोट लगा है। डॉक्टर का कहना है कि वह किसी को पहचान नहीं पाएगा, वह जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। भगवान बोले जाओ मैं तुम्हारे भाई को जीवन दान देता हूँ। वहां से आने के बाद मेरे मन में बार बार विचार आ रहे थे मंगला आरती करने की। मैं वहां से आई, मंदिर से आई तो अपने भाई के लिए मंगला आरती की। मंगला आरती करने के समय ही 2011 का लास्ट दिसंबर महीना यानी कि 2012 आने के पहले ही मेरा भाई सभी को धीरे धीरे पहचानने लगा और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैं अम्मा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि अम्मा भगवान ने मेरे भाई को जीवन दान दिया है। आज मेरा भाई हम लोगों के बीच हम लोगों की तरह जीवन को व्यतीत कर रहा है। आरोग्य प्रदाता वैदेश्वर कल्की की जय। भक्तों के जीवन में चमत्कार करने वाले कल्की अम्मा भगवान कोटि कोटि धन्यवाद। नेमम में प्रतिदिन एक उत्सव जैसा माहौल होता है। दुख के साथ लोग आते हैं, कष्ट के साथ लोग आते हैं और खुशी खुशी नाचते हुए घर जाते हैं। नेमम की एक खासियत है, कहा जाता है कि गूंगा बोल पाता है, अंधा देख पाता है, लूला चलने लगता है और आने वाले हर एक व्यक्ति जो अनारोग्य से पूर्ण है वो आरोग्य को प्राप्त करके खुशी खुशी घर जाते हैं। ऐसा ये वैदेश्वर पुण्य क्षेत्र आज सिर्फ वैदेश्वर पुण्य क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ पर और एक अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया होती है, वो है जल दीक्षा। जब लोग वहां पर 3 दिन के लिए रहने के लिए आते हैं तो 3रे दिन के अंतिम भाग में सुबह 7 बजे इन लोगों के लिए जल दीक्षा की प्रक्रिया होती है। जो भी 3 दिनों में उन लोगों ने साधना किया है नेमम में रह के, इस साधना का आशीर्वाद स्वरूप में वैदेश्वर के सामने रखा हुआ कलश का वो जल उन भक्तों के चेहरे पर प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में छिटा जाता है। और जब वो प्रसाद वो आशीर्वाद छिड़क दिया जाता है, कितने सारे अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता उनके भीतर है, जीवन में अशांति उनके मन में है, वो सब कुछ वहां पर लुप्त हो जाता है और आरोग्य की वो शक्ति वो चैतन्य उनके रोम रोम में दौड़ना शुरू करता है। ऐसा ये एक अनोखा प्रक्रिया करने के लिए दूर दूर से लोग नेमम में आते हैं। नेमम की और एक महिमा है और वो है पितृ शांति हवन। जैसे आप हम सभी इस धरती पे जी रहे हैं, वैसे ही इस दुनिया से भी अलग एक दुनिया है जिसको कहा जाता है अन्य लोक या फिर पूर्वजों का लोक। बहुत बार हम अपने रिश्तों में इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि जो हमारे साथ जी रहे हैं उन्हीं लोगों को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, उन्हीं लोगों को हम अपने रिश्तों में सवार नहीं पाते हैं। और यहाँ पर
हम जाकर अब पितरों के लिए, मरे हुए उन लोगों के लिए क्या अलग से करना है। ध्यान में रखिए, हर एक बेटे का, हर एक बेटी का, पोता पोती का ये दायित्व होता है कि उसके परिवार के जो भी सदस्य गुजर चुके हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन लोगों को मोक्ष मिलना है। अगली पीढ़ी ही पिछली पीढ़ी को मोक्ष के उस रास्ते में आगे ले जाती है। अन्यथा अगर वो पूर्वज मोक्ष नहीं पाता है तो हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हमने सामना करना पड़ता है। एक महिला है, वो अपना घर बेचना चाहती थी, लेकिन कुछ भी किए वो घर बिक ही नहीं रहा था। बहुत बड़ा घर था, हर एक प्रकार की सुविधा आसपास में उस घर के हैं, लेकिन इस घर को जितना उन्होंने मांगा है वो मूल्य नहीं मिल रहा है। ग्राहक आता है, देखता है और चला जाता है। क्यों ऐसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसी दरमियान एक कार्यक्रम में वो भाग लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे अम्मा भगवान, ऐसी क्या विपदा है, ऐसा क्या बीच में रुकावट है जो हमारा घर नहीं बिक रहा है। तब भगवान इस महिला को एक वृद्ध स्त्री का चेहरा दिखाते हैं कि बागीचे में एक महिला आराम से बैठी हुई है और फूलों को चुन रही है। जैसे ही महिला इस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखती है, एकदम चौंक जाती है और आकर के हमको पूछती है कि हमने हमारी सासू माँ को देखा कि वो बागीचे में बैठी हुई है, लेकिन हमारी सासू माँ गुजर के 12 साल हो गया है और उनके लिए जो आवश्यक विधि विधान था, उनका शांति करवाना था, उनका पिंडदान जो भी देना था, गया जा चुके हैं, काशी जा चुके हैं, हर एक पुण्य क्षेत्र में जाके उनके लिए विधिवत हम दान धर्म भी कर चुके हैं, हमको सासू माँ क्यों दिखाई दी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब उनको बताया गया कि जब इस प्रकार से आपके पूर्वज आपके आंखों के सामने आते हैं या फिर सपने में बार बार आकर आपको दर्शन देते हैं, कुछ कह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पूर्वज की कोई इच्छा अधूरी है या फिर वो आपसे कुछ चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो इसका परिणाम क्या होता है, जिस कहीं स्थान पे वो है उनका वो कष्ट हमारे जीवन में प्रतीत होने लगता है, हमारे जीवन में प्रभाव करने लगता है समस्याओं के रूप में। होते होते आपके काम अटक जाते हैं, फाइनेंशियल आर्थिक संकट जीवन में आने लगता है, अचानक बीमारियां आने लगती हैं, चाहते हैं उस प्रकार से बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, अनगिनत समस्याओं का कारण हो सकता है कि आपके पूर्वज की आत्मा को शांति नहीं है। इसीलिए आपके पूर्वज को मोक्ष मिलना याने आपके जीवन में समस्याओं का निवारण होना है। कई सारे लोग ये कहते हैं, उनके गुजरने के बाद तो हमको साल भर में जो जो विधि विधान करना था हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या उनको आत्मा को शांति नहीं मिला? शायद हो सकता है सिर्फ उनके लिए पिंडदान करना या हर साल में उनके नाम से कुछ उनकी मनपसंद की चीजें बना बना के उनको खिला देना, पितृपक्ष में उनके लिए पूजा प्रार्थना करना, इतना ही नहीं है, इससे भी कुछ हटके उनकी अपेक्षा होती है और वो है कि वो उच्च से उच्च उस लोक में जाएं जहां अंतिम वो उस परमात्मा उस परम ज्योति में एक होना चाहते हैं, वही है मोक्ष। मृत्यु के पश्चात की वो यात्रा पूर्ण करने की दायित्व जीते जी हम लोगों की बन जाती है जो आज इस धरती पे जी रहे हैं और पूर्वजों को मोक्ष दिला सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ विधि विधानों को करते हुए। जब ये सब कुछ उस महिला को समझाया गया तब उन्होंने अपनी सासू माँ के नाम से नेमम में आके पितृ शांति हवन करवाया। अमावस्या के दिन भारत के कोना कोना से, दुनिया के कोना कोना से लोग यहाँ पर आकर हवन में भाग लेते हैं या फिर अपने पूर्वज के नाम और गोत्र के साथ इस हवन को करवा लेते हैं। जब यहाँ हवन हुआ तब इस महिला ने देखा कि इनके सासू माँ एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो रहे हैं और इस पूरे परिवार को मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। इस हवन के पश्चात आज जिस कोठी को बेचना चाह रहे थे, जिस मकान को वो बेचना चाह रहे थे और जो बिक नहीं रहा था, सासुमा के आशीर्वाद मिलने के बाद वो कोठी बिक जाती है और इनकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। तो पूर्वज हम सभी के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही एक महिला है, इनके किसी ने मदद के रूप में 10 लाख रुपए मांगे और इन्होंने भी बहुत अच्छे भाव के साथ
ठीक है जान पहचान के लोग हैं, बाद में एक महीने भर के बाद दे देंगे, ये कहकर इनको 10 लाख रुपए मदद के रूप में दे दिया। 10 लाख रुपया देने के बाद आज 9 साल हो गया है और इनके 10 लाख रुपए में से 10 पैसा भी इनको वापस नहीं मिला। अगर यही 10 लाख रुपया वो बैंक में रखते तो सोचे उसका कितना ब्याज उनको मिलता, कितना वो पूंजी बढ़ जाती। लेकिन पैसा देने का उस व्यक्ति ने नाम ही नहीं लिया, फोन उठाता नहीं है, घर बदली कर दिया है, कहीं उस व्यक्ति का आता पता ही नहीं है। ऐसे में ये महिला बहुत ही दुख के साथ भगवान के पास आती है और वहां आकर एक प्रक्रिया में भाग लेती है जिसको कहते हैं कल्कि आज्ञा। कल्कि आज्ञा ये नेमम पुण्य क्षेत्र में होने वाली एकदम अद्भुत अनोखी प्रक्रिया है जहां पर साक्षात कल्कि आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपकी समस्या की जड़ तक आपको ले जाते हैं, या फिर उसके लिए क्या आपको परिहार करना है, प्रायश्चित करना है, या किस प्रकार से उस समस्या का निवारण करने के लिए साधना करना है, वो मार्ग कल्कि वहां पर आपको बताते हैं। तो ये महिला वहां पहुंचती है और कल्कि की आज्ञा में बैठकर वहां पर अपनी समस्या बताती है। कल्कि आज्ञा में कल्कि के शिष्य के द्वारा ये मार्गदर्शन पाने के बाद महिला बहुत खुश हो जाती है। इनको बताया जाता है कल्कि की तरफ से कि इनके परिवार की 3 महिलाएं हैं जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिला है। अब ये महिला सोच रहे हैं मेरे परिवार में कौन 3 महिलाएं हैं, तब उन्हें याद आता है इनकी अपनी माँ, इनकी सासू माँ और इनकी सौतेली सास। ये तीनों भी महिलाएं जब गुजर चुके हैं तब उनके लिए जो होना है सो विधि विधान नहीं किया गया था। वो कल्कि के आज्ञा में भगवान से कहते हैं, हाँ भगवान, हमारे घर के 3 महिलाओं को वो मोक्ष जरूर नहीं मिला है क्योंकि उनके नाम से कोई विधि विधान हमने किया ही नहीं है। तब वो संकल्प लेते हैं कि पितृ शांति भवन में हम बैठेंगे और इन 3 माओं के लिए, माँ, सासू माँ और सौतेली सास के लिए ये हवन करवाएंगे। आज यहां बैठे हैं और दूसरे दिन पितृ शांति हवन हो रहा है। 8 मार्च 2017 की यह घटना है। पितृ शांति हवन अमावस्या के दिन वहां पर होता है और 12 मार्च को इस महिला के खाते में 10 लाख रुपया अकाउंट में वापस आता है। देखिए, चेन्नई से बंबई पहुंचने के पहले उनके खाते में अकाउंट में पैसा आ जाता है। बहुत 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 खुश हो जाती है ये महिला कि भगवान की लीला तो अपरंपार है। जय बोलो मोक्ष प्रदाता परम ज्योति श्री कल्कि भगवती, भगवान की जय। भक्तों को तो मोक्ष मिला और इनके भी जो दायित्व इनको पार करने थे वो भी भगवान ने इनको कल्कि आज्ञा के रूप में ज्ञान दिया। तो ऐसी अद्भुत अनोखी प्रक्रियाएं नेम में होती रहती हैं। आइए एक अनोखा दृश्य देखते हैं पितृ शांति हवन के संदर्भ में। भीषास्मादग्निस्तेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमयिति सौषानन्दस्यमीवागुंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृदिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य तेये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः
श्रोत्रियस्य जागामः तस्य तेयेशतमा जानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानमियन्ति। कोटि कोटि धन्यवाद श्री अम्मा भगवान। ऐसा एक अनोखा चमत्कारी आरोग्य को प्रदान करने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला और समस्याओं के निवारण को देने वाला नेमम पुण्य क्षेत्र मोक्षपुरी आपने बनाया। जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपके पूर्वजों के प्रति आपके भी कुछ दायित्व है, तो जरूर अमावस्या के वक्त आकर नेमम में पितृ शांति कर सकते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग प्रकार के विधि विधानों को संप्रदाय के मुताबिक वहां पर किया जाता है। हवन होते हैं, कलश पूजाएं होती हैं, अभिषेक होते हैं, सुप्रभात सेवा होती है, श्री अम्मा और भगवान के कल्याण उत्सव, जन्मदिन उत्सव बहुत ही धूमधाम से नेमो में मनाए जाते हैं। मैंने कहा ना, प्रतिदिन वहां एक उत्सव भरा माहौल होता है। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के कोना कोना के लोग वहां पर आते हैं और निवास करते हैं। हम आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं, जरूर आइए नेमम में आरोग्य को पाने के लिए और अपने पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए। आज की इस प्रक्रिया में जो ये अद्भुत यात्रा हमने नेमम के लिए की है, इस यात्रा को हम जारी रखेंगे श्री अम्मा और भगवान के और एक पुण्य क्षेत्र के प्रति। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्ते। India's fastest growing school chain presents Shemford School, Jaganpura Road, Patna. Admission opens for pre-nursery to standard 8. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-98666.